नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे एसके महिला कॉलेज बीए बीएससी पार्ट टू में किस प्रकार से एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे, भरना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना कोई परेशानी के। तो सबसे पहले करना क्या है फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहले दोस्तों गूगल में सर्च कर लेना है gnewsbihar.com। इस तरह से सर्च कर लेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। फर्स्ट नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कहेगा कि आप क्या इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आएगा क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली यस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यूनिवर्सिटी बोर्ड वैकेंसी वगैरह का अपडेट आते रहता है, तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है ताकि आपको अपने मोबाइल पर एक मैसेज के थ्रू जानकारी मिल जाए। इसको हम अलाउ कर लेते हैं। जैसे ही अलाउ करें दोस्तों वो हट गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एस के महिला कॉलेज का पार्ट टू एडमिशन फॉर्म भरना है, तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए एडमिशन वाले कॉलम में जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए एडमिशन वाले कॉलम में गए, एस के महिला कॉलेज पार्ट टू ऑनलाइन एडमिशन 2022 सेशन 2021-24 वाले दोस्त लोग के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, भले ही ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन ओपन हो जाता है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जब आप पार्ट टू ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो उस समय जो कितना पेमेंट कटने वाला है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कब से स्टार्ट है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना ना, तो 19 तारीख से, लास्ट डेट क्या है 30 तारीख। अगर बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अपडेट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले आपका फोटो लगेगा, फिर सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कितना केबी में, तो फोटो 50 KB में और सिग्नेचर 20 KB में। फिर पार्ट वन का मार्कशीट, फिर यहाँ पे पार्ट वन का एडमिट कार्ड जो कि 100 100 KB का होगा। तो पार्ट वन का मार्कशीट नहीं है तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे उस वो पार्ट वन मार्कशीट की जगह आपको पार्ट वन का एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है। चलिए आगे बात करें तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए, रेफरेंस नंबर होना चाहिए। रेफरेंस नंबर क्या होता है, कैसे प्राप्त करना है, वो संपूर्ण अपडेट इसी वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे, ठीक है। नीचे जाएंगे, अगर किसी प्रकार का परेशानी हो जाता है तो आप ईमेल के माध्यम से चैट बातें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है वो प्रोसेस बताएंगे। बशर्ते इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन पर हम क्लिक किए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ओपन हुआ, इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया सेशन 2021-24 में प्रथम खंड कला सूचित किया जाता है कि द्वितीय खंड नामांकन 19/12 से 30/12 तक चलेगा, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। और जो भी दोस्त लोग 21 से 24 सेशन के नहीं हैं उन सभी का ऑफलाइन जो कि एडमिशन होगा, ठीक है। तो जो ऑनलाइन होगा उसका देखिए क्या प्रोसेस, यहाँ पे छात्र छात्राएं ऑनलाइन करने के लिए प्रथम खंड के जो भी है ईमेल यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप लोग लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा दोस्तों तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके अपने कॉलेज में जाकर जमा करना होता है। तो चलिए अब हम सीखेंगे किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो उसके लिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जब कोई परेशानी होगा तो उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए हम दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देते हैं। एक और अपडेट है कि ऑनलाइन इनकी पार्ट टू में एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको बता दें, पार्ट वन का जो एडमिशन फॉर्म रसीद है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इस रसीद को आपको अपने पास रख लेना है, उसके बाद ही फॉर्म पार्ट टू का भरना शुरू करेंगे, क्योंकि इसी से आपका एडमिशन हो फॉर्म भरा पाएगा पार्ट टू में, ठीक है। देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर जो कि पार्ट वन में दिया हुआ है, इस तरह से रसीद एक उसमें रेफरेंस नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखा होगा, और क्लास रोल नंबर जितना होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रसीद आप अपने पास रख लें, उसके बाद ऑनलाइन करने के लिए शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए हम जैसे ही दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक किए, हमारे पास यानी कि अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक किए तो हमारे पास इस तरह से ओपन हो गया। हमारे पास यूजर आईडी और इसका पासवर्ड नहीं है, जिसके वजह से हम इसको फॉरगेट करेंगे, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है, आपको पता है, याद है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी जो होता है यूजर आईडी, वो ईमेल आईडी आपको भरना है, पासवर्ड भरना है और लॉगिन कर लेना है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है, उसके लिए हम करेंगे क्या, फॉरगेट। फॉरगेट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो आप लिखा है फॉरगेट इंटर मोबाइल नंबर। अब वो मोबाइल नंबर देना है जो आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते समय दिए थे, ठीक है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए हम वो मोबाइल नंबर भर लेते हैं। जैसे भरे दोस्तों, इस तरह से देखे हैं, हम सबमिट बटन पर क्लिक कर दिए, तो हमारा जो यहाँ पे लिखा है डियर, यानी कि जो नाम से मेरा एडमिशन हुआ होगा वो नाम देखेगा, और जिस ईमेल आईडी में से पार्ट वन में एडमिशन हुआ था वो ईमेल आईडी यहाँ पे देखेगा, और यहाँ पर पासवर्ड देखेगा वही, और ऑटोमेटिक दोबारा से यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन करना है। चलिए हम वही ईमेल आईडी और पासवर्ड भर लेते हैं। भरने के बाद जैसे ही दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसको ध्यान पूर्वक समझें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, फोटो सिग्नेचर है, एडमिशन ऑनलाइन है, एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, और रजिस्ट्रेशन ये वाला है, ठीक है, 2022-24 वाला। तो अभी हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से दिखेगा, जो पार्ट वन में मेरा जो भी कोर्स होगा वो कोर्स का नाम दिखेगा, और यहाँ पे सेशन दिखेगा, यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा। अगर आप पार्ट वन का जो भी फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं, यानी कि भरे थे वो प्रिंट करना चाहते हैं, वो यहाँ से पार्ट वन का भी प्रीवियस वाला यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, रसीद पेमेंट का भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अभी जो बात करने वाले हैं वो पार्ट टू का एडमिशन फॉर्म भरने वाले हैं, जो लाइव देखें वीडियो को बने रहें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले फोटो और सिग्नेचर को हम देख लेंगे कि वो ठीक ठाक है या नहीं। फोटो सिग्नेचर अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे चूज करके सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे फोटो दिखेगा, और यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। फोटो सिग्नेचर अपडेट होते ही आपको करना क्या, एडमिशन ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा है एडमिशन ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंटर का है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आपको पार्ट टू में एडमिशन लेना है, इसलिए एडमिशन BA BSc पार्ट टू जो लिखा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, वेलकम टू अप्लाई ऑनलाइन लाइन, और यहाँ पे लिखा है अप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है, जो कि हम सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले बताए थे, पार्ट वन का रसीद आपको अपने पास रखना है, उसी पर रेफरेंस नंबर लिखा रहता है, वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है, फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, सबमिट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे भर लेते हैं। रेफरेंस नंबर भरे, चेक बॉक्स पर क्लिक किया और सबमिट पर क्लिक किया। जैसे सबमिट पर क्लिक किया दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ गया, इस तरह से खाली रहेगा, और नीचे भी दिखा देते हैं, इस तरह से खाली रहेगा। आपको करना क्या है, ये सभी डिटेल्स को फुलफिल कर लेना है, भर लेना है। तो चलिए हमने संपूर्ण डिटेल्स को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भर चुके हैं, और नीचे भी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे संपूर्ण डिटेल्स भरने के बाद सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड पार्ट टू, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आपको ये ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पर ईयर भी ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ईयर 2022 सेलेक्ट कर लेना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से 2022 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड जो बता रहा है, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी एलएनएमयू सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से जो भी है पहले से भरा रहता है ये सभी, ठीक है। तो ये सब का आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे सबसे पहले पास, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी क्लास रोल नंबर है वो आपको भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है, यहाँ पर भी आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है। तो संपूर्ण डिटेल्स हम यहाँ पे पहले से भर चुके हैं। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जो कि आपका ओनर्स पेपर यहाँ पे दिखेगा, आपका सब्सिडी वन यहाँ पे दिखेगा, सब्सिडी टू यहाँ पे दिखेगा, वो जो कि ऑटोमेटिक है, और यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। ये सभी ऑटोमेटिक है, इसलिए आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है जनरल पेमेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे पेमेंट का लिंक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस में, यानी कि कौन से ऑनर्स पेपर में एग्जाम देने, यानी कि एडमिशन लेना है, तो वो यहाँ पे आपको शो होगा, कौन से कैटेगरी है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखेगा, पेमेंट कितना कटने वाला है वो देखेगा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। अब आपको इतना पेमेंट देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको, इतना पेमेंट देने के लिए सबसे पहले मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम, UPI जो भी है वो UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो डेबिट कार्ड के माध्यम से करने वाले हैं पेमेंट। तो उसके लिए डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड
डेट, एक्सपायर डेट्स ऐसे भी, और यहाँ पे नाम और बैंक नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब कि आपको भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल्स को भर लेते हैं। जैसे डिटेल्स भरे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे देखिए कितना 740.17 पैसा कटने वाला है, इतना कटेगा। उसके लिए करना क्या, अब इस तरह से डिटेल्स भर दिए हमें डेबिट कार्ड का, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही दोस्तों जो भी बैंक में मोबाइल में रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भर लेना है। भरने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट स्टेटस इस तरह से देखेगा, आपका ट्रांजेक्शन आईडी, मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, फिर ओके देखेगा। ठीक है, स्टेटस में पेमेंट आपका डन हो गया है। उसके बाद ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर आपके सामने दोबारा सा इसी पेज में आ जाएगा, इस तरह से दिखने लगेगा। फिर से अपना वही ईमेल आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम ईमेल आईडी पासवर्ड भर के लॉगिन कर लिए हैं। हमारे पास जैसे ही लॉगिन किए दोस्तों, हमारे पास इस तरह से ओपन हो गया है। उसके बाद आपको सामने यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, यानी कि जो भी ऑनर्स पेपर है वो यहाँ पे दिखेगा, सेशन दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू डिटेल्स, रिपोर्ट और रिसिप्ट। आपको करना क्या, एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट दोनों को प्रिंट कर लेना है। तो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट होता है और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से प्रिंट होता है। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बीएससी पार्ट टू का देखने को मिलेगा। फोटो सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे संपूर्ण डिटेल्स रहेगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स रहेगा। फिर आपको एक और रहता है, दो रहता है, एक ऊपर में जो है था वो कॉलेज था, और ये सॉरी ये है कॉलेज कॉपी, ऊपर में स्टूडेंट कॉपी था। ठीक है, इस तरह से रहेगा, आपको डिटेल्स रहेगा। नीचे जाएंगे तो इस तरह से रहेगा। तो आपको करना क्या है, इसको पहले प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ये पहला आपका काम खत्म हो गया। दोबारा से जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। आपको आपको पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट करना है। पेमेंट रिसिप्ट पर यहाँ पे रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पार्ट टू का जो है पेमेंट रिसिप्ट ओपन हो जाएगा। कितना कटा है वो यहाँ पे देखेगा, और नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से संपूर्ण डिटेल्स आपको सामने लाइव दिखेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वो दोनों, यानी कि जो भी एप्लीकेशन रिसीट है और पेमेंट रिसीट है, दोनों को प्रिंट कर लेना है। और आपको करना क्या है, पार्ट वन का जो पेमेंट रिसीट था उसका फोटो कॉपी और एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी, ये सभी लेके आप अपने कॉलेज में जाकर जमा कर देंगे, तभी आपका एडमिशन वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आपको बता दें, किसी प्रकार के मन में सवाल हो तो हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ध्यान दें दोस्तों कि इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। जो भी दोस्त लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से जिस तरह से हम बताएं उस तरह से फॉलो करें, आपका एडमिशन फॉर्म पार्ट टू का बिल्कुल आसान तरीके से भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, तो आप यहाँ से अपने भी ज्वाइन हो सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट था हमने आपके सामने लाइव स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दिए। और आपको बता दें, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आपके सामने जरूर आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।